व्यवस्था के लिए बातचीत कर रहे थे और परिंडे बांध रहे थे। और यहाँ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कहाँ पर मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा पहुंचे थे और यहाँ पर किस तरीके से उनके लिए पानी की व्यवस्था की और दाने की व्यवस्था की। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त गुजरात के राजकोट से, जहां गेम जोन की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच खबर है कि इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 28 तक पहुंच गई है। मामले में गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में चल रहे सभी गेम जोन में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मंजूरी के बिना सभी गेम जोन बंद करने के आदेश दिए हैं। मंजूरी के साथ चल रहे गेम जोन में जांच के आदेश दिए हैं। 24 घंटों में सभी गेम जोन में जांच करके रिपोर्ट देने के आदेश शहरी विकास विभाग ने दिया है। संबंधित सभी विभागों को साथ रखकर कमेटी जांच करेगी। तो अब एक कमेटी है जो इसके बारे में जांच करेगी, यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और यहां पर हमने आपको बताया कि इसमें टीआरपी गेम जोन जो है गुजरात के राजकोट शहर में, वहां भीषण आग लग गई और ये शाम का वक्त था जब ये आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू किया गया। और अब तक हमने आपको बताया कि इस हादसे में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राजकोट में आग का मैदान बना ये टीआरपी गेमिंग जोन है, जहां शनिवार को 28 लोगों की जलने से मौत हो गई। आग की लपटें बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह था। जो सामान्य लोग के बच्चे थे वो चले गए। कल सुबह सर गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 लाख 5 लाख सहाय करके चला जाएगी। जो भी फायर सेफ्टी का मामला इसमें था, इसमें एनओसी नहीं था ये गेम जोन वाले के पास। हादसे के बाद 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर लिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो एसआईटी बनाई गई है, वो एसआईटी की जांच शुरू की जाएगी और साथ ही में जो ये संचालक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, मैनेजर को अरेस्ट किया गया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई नेताओं ने पूरे हादसे पर सोशल मीडिया के जरिए दुख जताया है।